हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश, इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत करें। पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है वो हाफिया सोफिया है, आप पिछले ब्लॉग में देख चुके होंगे। सुबह बहुत बारिश हो रही है इस्तांबुल में, तो मैं कई जगह जाने वाला हूं। देखिए कौन कौन सा जगह जा सकते हैं। मैं तो 10-15 मिनट हो गया घर से निकल कर, तो पहला डेस्टिनेशन चलिए चलते हैं। ये है यहाँ का ट्राम। फाइनली हम लोग आ गए हैं ब्लदिया क्रिस्टन में। इसकी एंट्री फीस 300 लीरा है, जो मैं गलत समझ बैठा था। मैंने सोचा पहले 30 लीरा, लेकिन 300 लीरा है। और इस जगह से आप टिकट ले सकते हैं। ब्लासिका क्रिस्टन बोलेंगे तो एक पानी का टैंक है, जो कि 26वीं शताब्दी में बना था। और ये इस्तांबुल शहर के बीचों बीच है, हाफिया सोफिया के जस्ट सामने। चौड़ाई बताएंगे तो 65 मीटर है और ऊँचाई 140 मीटर है। और 336 स्तंभ हैं जिसके इस टैंक का उपयोग पानी के रखरखाव के लिए किया जाता था, जिसमें करीब 8 लाख कुंड पानी रखी होती थी। यहाँ का सबसे जो रोचक चीज है ना, ये जो दो मूर्तियां हैं, इसके बारे में तो कोई सटीक जानकारी नहीं है कि कब और कैसे कहां से यहां आया है। माना जाता है ना, जब इसका निर्माण हो रहा था उस समय इसे लाया गया था, जो शायद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए इस मूर्ति का परछाई इस जगह पर कितना सुंदर आ रहा है ना। लोगों ने बहुत पैसे डाल रखे हैं पानी में, पता नहीं इसका इतिहास क्या है, लेकिन बहुत सारे पैसे आपको दिख जाएंगे पानी के अंदर। सब पौधा बना रखा है लाइट का रिफ्लेक्शन से, ये देखिए। और इस जगह ये है, और ये स्क्रीन पर रंग बिरंगी लाइटें आ रही हैं जो पौधा बन के उभर रहा है। ख़त्म हो रहा है ये, अब यहाँ से एग्जिट कर जाना है ऊपर। टिकट प्राइस की बात किया जाए तो 300 लीरा मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा है, लेकिन आप आए हैं तो आप इसे ज़रूर आके देखें। सरल हिंदी भाषा में बोला जाए तो पानी का टैंक का सफ़र ख़त्म हुआ। ये है हाफिया सोफिया का पीछे का साइड, और इधर घर है बड़ा सुंदर सुंदर बना हुआ है, जिसका भी है। मेरे पीछे है टोपिका पैलेस म्यूजियम, के पास टाइम हो तो इस म्यूजियम में आ सकते हैं। और इसकी टिकट है 500 लीरा। मेरे को कुछ कहीं दूसरे जगह जाना है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अभी जाने का कोशिश कर रहे हैं गलता टावर। यहाँ से मेट्रो लिया है मैंने, 5 स्टेशन के बाद है, लेकिन यहाँ थोड़ा मेरे को लैंग्वेज बैरियर और थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा है, लेकिन लोकल बड़े अच्छे हैं, अच्छे से हेल्प भी कर रहे हैं। इनका ट्राम कुछ इस तरह दिखता है। आना है ना ए वाला काया को मेट्रो स्टेशन पर आप उतरना, मेट्रो स्टेशन बोले या ट्राम बोले, ट्राम स्टेशन पर आप उतरना पड़ेगा। बारिश तो ऐसा हो रहा है कि पूरा ट्रिप का मजा ही खराब कर दे रहा है। टावर जाने का रास्ते में देखें, पहाड़ी इलाका है और ये सब दुकानें इधर हैं बहुत तरह के। ये देखिए अब डायरेक्शन दिया हुआ है गलतिया टावर का, और इस सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना है हम लोगों को। ये देखें टावर तो टावर पे ही है, एकदम ऊंचाई पे है। भीगते भीगते फाइनली टावर के पास आ ही गए, और एंटर किया जाए, देखा जाए क्या है एंटर फीस, क्या नहीं कुछ नहीं। भाई देखें टिकट के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, हमको पता नहीं था कि टिकट इधर मिलता है। मैं डायरेक्ट अंदर चला गया तो पता चला कि पीछे टिकट लेके आना है, और टिकट के लिए आए हूँ, लाइन तो थोड़ा लंबा है। टावर का टिकट है 175 लीरा, आप ऑडियो गाइड लेना चाहते हैं उसके साथ तो 40 लीरा और, मैंने टोटल 215 पड़ेगा। टावर तो 65 मीटर ऊँचा है, तो हम लोग अभी फिलहाल लिफ्ट के बाहर खड़े हैं, लिफ्ट से जाएंगे ऊपर। 6th फ्लोर तक तो लिफ्ट से आएंगे, उसके बाद आपको सीढ़ियों से ही चढ़ के जाना है ऊपर। तो एक्साइटेड तो हैं, ऊपर से क्या दिखने वाला है, पूरा टर्की शहर दिखेगा, तो चलिए ऊपर ही चलते हैं। ये देखिए पूरा टर्की शहर का नक्शा बना हुआ है इस जगह पे। ये बाइनोक्यूलर तो मस्त है, अच्छा दिख रहा है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। ये देखिए पूरा शहर का व्यू इस जगह से आपको दिख रहा होगा, ये देखें कितना सुंदर है।
इस तरह के ना 15 विंडोज बने हुए हैं यहाँ से, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैं नंबर 1 नंबर 2 करके सारा दिखाना चाहता हूँ कि एक से कैसा दिखता है, दूसरे से कैसा दिखता है, तीसरे से कैसा दिखता है। व्यू फ्रॉम द विंडो नंबर 1, व्यू फ्रॉम द विंडो नंबर 2, व्यू फ्रॉम द विंडो नंबर 3, व्यू फ्रॉम द विंडो नंबर 4, व्यू फ्रॉम द विंडो नंबर 5, व्यू फ्रॉम द विंडो नंबर 6, व्यू फ्रॉम द विंडो नंबर 7। बारिश होने से धुंधला हो गया है थोड़ा व्यू। व्यू फ्रॉम विंडो नंबर 8, व्यू फ्रॉम द विंडो नंबर 9, 10वां नंबर विंडो, 11 नंबर विंडो से व्यू कुछ ऐसा है, 12 नंबर विंडो से देखिए कुछ व्यू ऐसा आ रहा है, 13 नंबर विंडो से व्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है, 14 नंबर विंडो से देखिए व्यू कुछ इस तरह का है, 15 नंबर विंडो से व्यू कुछ इस तरह का आ रहा है। कौन सा विंडो से सबसे अच्छा व्यू आया था जरा कमेंट्स करके बताइएगा। अब चला जाए सबसे ऊपर वाले आखिरी वाले पर, वाला फ्लोर में आएंगे ना तो एकदम रेलिंग तक आप जा सकते हैं, तो वो भी जाया जाए। इस जगह से लिटरली पूरा शहर दिखता है और काफ़ी सुंदर है। पूरा शहर का नज़ारा लेना है तो गलाटा टावर पर आपको जरूर आना चाहिए। और ये देखें इस तरह का कुछ व्यू है इस जगह पर। भाई हवा ऐसा तेज चल रहा है कि मेरा कोई उड़ा के लेके जाएगा ऐसा लग रहा है। इस साइड जो दिख रहा है ना तुर्की, ये है यूरोपियन साइड में, और इस साइड जो दिख रहा है आपको ये है एशियन साइड। लेकिन फिलहाल हम लोग हैं अभी यूरोपियन साइड में, ये है यूरोपियन साइड और ये है एशियन साइड। बहुत टाइम बिता लिया हम लोगों ने यहाँ पे, अब चलिए यहाँ से चला जाए। व्यू तो काफ़ी अच्छा है, बारिश ने थोड़ा मजा किरकिरा किया है क्योंकि बहुत क्लाउडी है, लेकिन यहाँ से पूरा शहर का व्यू दिखता है। ऊपर तो आप लिफ्ट से आते हैं लेकिन नीचे आपको सीढ़ियों से ही जाना है। देखिए जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, हर फ्लोर पर कुछ ना कुछ आकृतियाँ रखी हुई हैं। जब आप नीचे उतर रहे हैं ना तो बड़ा ध्यान से, मैं तो उतना लंबा नहीं है, कुछ लंबे लोगों का सर पे लगने का भी चांसेस है, तो थोड़ा ध्यान से उतरें आप लोग। हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ है, इस फ्लोर पे कुछ खरीदना है आपको तो वो कर सकते हैं।